हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL की तरफ से टीचर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है, जिसमें NTT, PRT, TGT, PGT एंड लेक्चरर पोस्ट हैं। लेक्चरर की जो खास एक पोस्ट है, ये काफी अच्छी है। इसमें PG कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं, जिनके पास पोस्ट ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री के अलावा फिलहाल कोई और क्वालिफिकेशन नहीं भी है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सभी पोस्ट में भी टेट या सीटेट कहीं भी नहीं मांगा जा रहा है। टेट सीटेट नॉट रिक्वायर्ड। एज लिमिट अच्छी है सभी पोस्ट के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं डिटेल्स के लिए। ये एडवर्टीजमेंट है जो 6 पेजेस की है। अलग अलग पेज पे अलग अलग सब्जेक्ट और अलग अलग पोस्ट के लिए दिया गया डिटेल्स, और लास्ट में फॉर्म भी दे दिया गया, एप्लीकेशन फॉर्मेट भी दे दी गई है। अब सिस्टमेटिकली हम शुरू करेंगे। सबसे पहले जो है एरोनॉटिक्स एजुकेशन सोसाइटी सूना बेदा की तरफ से है, और इसमें क्या क्या वैकेंसीज हैं। इसमें है PGT इंग्लिश, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश 1 पोस्ट, TGT इंग्लिश, PRT इंग्लिश 2 पोस्ट, PRT हिंदी स्पेशल एजुकेटर, TGT हिस्ट्री, PGT फिजिक्स। और सैलरी सबके लिए कम है यहाँ पर, लेकिन जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है, 8 वैकेंसीज हैं यहाँ पर। सैलरी बाद में देख लेते हैं, सैलरी ज़्यादा नहीं है बट जिनको। इसके बाद है लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए, फिजिकल एजुकेशन टीचर सभी कॉन्ट्रैक्ट पे, लेबोरेटरी असिस्टेंट, और जूनियर लेक्चरर के लिए जूनियर लेक्चरर में बॉटनी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, हिंदी, उड़िया, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, जूलॉजी 19,000। लेक्चरर के लिए 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा और भी वैकेंसीज हैं, वो भी देखेंगे हम। इसके बाद NTT टीचर के लिए 3 वैकेंसीज हैं, मैथ, साइंस, MIL उड़िया, संस्कृत, अपर प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल 6 to 10 को पढ़ाने के लिए TGT 3 to 2 वैकेंसीज हैं। सैलरी कम है, लेकिन जिनको इंटरेस्ट है कि काम करना है अभी। फिर LDC की वैकेंसी है, और इसके अलावा फिर एप्लीकेशन फॉर्मेट है। तो NTT की भी है, PRT की भी है, TGT की भी है, सभी की वैकेंसीज हैं। NTT के लिए सैलरी 12,000 है, बैचलर डिग्री आर्ट्स या साइंस में है, और साथ में NTT या BEd किया है तो 21 to 45 ईयर्स तक के कैंडिडेट। अभी ये कहाँ से है नोटिफिकेशन, ये देख लेते हैं। द एरोनॉटिक्स एजुकेशन सोसाइटी कोरापुट, ये उड़ीसा में। एक बार वेबसाइट चेक कर लेते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की ये वेबसाइट है। यहाँ पर देखिए, सबसे टॉप में आपको करियर नजर आ रहा होगा। करियर पर एक बार क्लिक करें। जैसे आप करियर पर क्लिक करते हैं तो बहुत सारी वैकेंसीज हैं, उसको स्क्रॉल डाउन करते जाना है। ये नीचे, सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करते करते आप देख सकेंगे 4 जनवरी की डेट से। हाँ, यहाँ पे इंजन डिवीजन कोरापुट एडवर्टीजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट फॉर एरोनॉटिक कॉलेज सुनाबेदा, VS विद्यालय सुनाबेदा, 8 DAV हाई स्कूल सुनाबेदा, ऑफिस ऑफ AES एरोनॉटिक्स एजुकेशन सोसाइटी सुनाबेदा, और कोरापुट ओडिशा में। सभी कोरापुट ओडिशा में 4 जन को एडवर्टीजमेंट है। तो ओडिशा जॉब लोकेशन रहेगी। सैलरी तो ज़्यादा नहीं है, तो जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है बाहर से अप्लाई कर सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। सैलरी कम है, जाकर आपको वहाँ पे अभी क्या करना है, इनमें कैसे एप्लीकेशन करनी है। तो जूनियर लेक्चरर के लिए मास्टर डिग्री होना काफ़ी है, 55% या अबव मार्क्स के साथ में, और सेकेंड क्लास कम से कम बैचलर डिग्री ग्रेजुएशन में 50% या अबव होना चाहिए। अगर आपके पास MPhil PhD है तो उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, बट 19,000 के लिए आप सोच सकते हैं MPhil PhD कोई जाने वाले है नहीं, तो सिर्फ अगर मास्टर डिग्री भी है तो भी काफ़ी हो जाएगा 55% या अबव मार्क्स के साथ में। कंसर्न सब्जेक्ट में अगर आपने PG किया हुआ है तो भी चलेगा। 19,000 रुपये 19,000 पर मंथ फिक्स सैलरी है। 21 to 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। लेबोरेटरी असिस्टेंट स्टोर कीपर के लिए बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जूलॉजी, अगर आपने बैचलर डिग्री साइंस सब्जेक्ट से किया हुआ है 50% या अबव मार्क्स के साथ, मतलब आप साइंस ग्रेजुएट हैं, आपको जॉब चाहिए। सैलरी तो कम ही है, 12,000 है, पर अगर फिलहाल आप एंगेजमेंट, वर्क एंगेजमेंट चाहते हैं तो 21 to 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते हैं। एप्लीकेशन करना है या वॉक इन है वो देख लेते हैं, शायद एप्लीकेशन करना है। पढ़ते नीचे, फिजिकल एजुकेशन टीचर है, सभी कॉन्ट्रैक्ट पर है। देखिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी सैलरी स्ट्रक्चर देख के थोड़ा सा सरप्राइज हो जाते हैं कि अगर इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन टीचर्स के लिए अच्छी पेमेंट नहीं रखेगी तो बाकी जो छोटे मोटे प्राइवेट के ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट के स्कूल्स हैं, उनसे क्या एक्सपेक्टेशन की जाए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है,
गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, पर सैलरी आप देखें, लेकिन जिनको अर्जेंट नीड है, रिक्वायरमेंट है, फिलहाल सीटेट टेट नहीं है, वो सिर्फ पॉकेट मनी के लिए काम करना चाहते हैं, तो ठीक है, फिर ये अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है उनके लिए। फिजिकल एजुकेशन टीचर में बैचलर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट से है और साथ में बीपेड है, एटलीस्ट 45% या अबव मार्क्स के साथ में 18,000 21 to 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एलडीसी के लिए बैचलर डिग्री आर्ट्स साइंस या कॉमर्स में 21 to 50 ईयर्स 10,200 रुपीज़। इसके बाद पीजीटी इंग्लिश के लिए मास्टर डिग्री एंड बीएड चाहिए, 15,000 दिया जाएगा। टीजीटी के लिए भी सेम है, मास्टर डिग्री एंड बीएड 12,000 दिया जाएगा। पीआरटी के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए, बीएड या डीएलएड, डीएड मतलब बीएड या बीटीसी वाले, 10,000 सैलरी है पीआरटी के लिए। स्पेशल एजुकेशन के लिए अगर बीएड है स्पेशल एजुकेशन में 12,000 सैलरी दी जाएगी। टीजीटी के लिए वैसे ही है, कहीं पर टीजीटी के लिए ग्रेजुएट या ग्रेजुएट के साथ में बीएड, डीएलएड, डीएड को भी एलिजिबल माना गया है, तो वो चेक करना होगा अलग अलग जगह पे। एज कैलकुलेट करने के लिए 31 मार्च 2022 को बेस लेना होगा। कैंडिडेट शुड बी फ्लुएंट इन स्पोकन इंग्लिश एंड साउंड फोनेटिक्स एंड मस्ट बी कंप्यूटर लिटरेट। इंटरेस्टेड कैंडिडेट फुलफिलिंग द अबव मेंशन्ड क्राइटेरिया में अप्लाई बाय डाउनलोडिंग द एप्लीकेशन फॉर्मेट। एप्लीकेशन फॉर्मेट नीचे दिए है, इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद, और इसमें एंटिटी के लिए भी है, एंटिटी के लिए मैंने आपको नहीं बताया, शायद मॉन्टेसरी या एंटिटी के लिए एलकेजी टू फाइव है, सिर्फ मॉन्टेसरी नहीं है, एंटिटी टू फाइव है। इसमें बैचलर डिग्री आर्ट्स या साइंस से, एंटिटी या बीएड है तो 12,000, 21 to 45 ईयर्स एज लिमिट है। क्लास 6 to 10 के लिए मैथ, साइंस, MIL उड़िया, संस्कृत 3 to 2 वैकेंसीज हैं। मास्टर या बैचलर डिग्री एंड बीएड है, 12,000 दिए जाएंगे, 12,000 21 से 45 साल तक की एज क्राइटेरिया है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट फुलफिलिंग सबके लिए अलग अलग है, 15 दिन के अंदर में कौन से एड्रेस, जो एड्रेस दिया गया है, जैसे कि अलग अलग स्कूल है, एक ADAV हाई स्कूल है तो उसके लिए अलग एड्रेस है, फिर ऊपर कुछ और स्कूल था उसके लिए अलग एड्रेस है, तो जो एड्रेस दिया रहेगा, जैसे आपको यहाँ पर पीआरटी हिंदी आपको किसके लिए अप्लाई करना है, तो वीएस विद्यालय के लिए, वीएसवी के लिए करना है, तो फिर उसके लिए अलग एड्रेस दी हुई है। उस एड्रेस पे 15 डेज के अंदर, मतलब 4 जनवरी को ये अपडेट आई हुई है ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो 15 डेज मतलब 19 जनवरी तक आपकी एप्लीकेशन जो है पहुंच जानी चाहिए दिए गए इसमें ईमेल आईडी पे, इन द स्कूल ईमेल, ईमेल आईडी पर अप्लाई करना है, स्कैन कर लेना है सभी चीज़ों को, एप्लीकेशन फॉर्मेट जो नीचे दी हुई है, आपकी फोटोकॉपीज जो इसकी रहेंगी सर्टिफिकेट्स की, 10 ऑनवर्ड्स पासिंग सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, उनकी फोटोकॉपीज, और इसके साथ में जो बायोडाटा रहेगा वो सब आपको ईमेल आईडी पर भेज देना है। एप्लीकेशन में जरूर लिख दें एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, और साथ में कौन से स्कूल के लेकर है वो भी लिख दें। तो 15 दिन मतलब 4 जनवरी + 15, तो 19 जनवरी तक आपकी एप्लीकेशन पहुंच जानी चाहिए। रिटन टेस्ट भी हो सकता है, डेमो टीचिंग भी हो सकता है, और इंटरव्यू भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है सिलेक्शन के लिए। स्लैश लिखा मतलब इनमें से वो डिसाइड करेंगे कि ज़्यादा एप्लीकेशन है तो टेस्ट ले सकते हैं, कम एप्लीकेशन है तो सिर्फ डेमो क्लास और इंटरव्यू लेंगे। तो डेमो और इंटरव्यू तो फिक्स है, रहेगा ही, रिटर्न हो सकता है ले, हो सकता है शॉर्ट रिटर्न टेस्ट ले, हो सकता है रिटर्न टेस्ट ना भी ले। तो बाकी की सभी डिटेल्स के लिए ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको मिल रही है मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें, आपको लिंक मिल जाएगी।